व्हाट्सअप गाइज, वेलकम करता हूँ आप सभी लोगों का फ्री फायर की एक बार एक्साइटिंग वीडियो में। तो गाइज, बहुत सारे लोग आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी ओबी 15 और सॉरी ओबी 17 का जो अपडेट है देखने के लिए मिल गया होगा, और आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी देख चुके हैं, क्योंकि मैं वीडियो में लेट हूँ। इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे लोगों ने पहले ही वीडियो अपलोड कर चुका है, क्योंकि एडवांस सर्वर फाइनली जो है इंडिया के बहुत सारे लोग बस आ चुका है और ऑपरेशनली यूज़ कर रहा है। खैर, दे रहा है, दुरुस्त आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। मेरे जो सब्सक्राइबर है, मेरा काम होता है मेरे सब्सक्राइबर तक न्यूज़ पहुँचाना, अपडेट पहुँचाना। तो आज हम आपको बताने वाले इस वीडियो में कि फ्री फायर में जो न्यू अपडेट्स आने वाले हैं क्या क्या है, और फाइनली यहाँ पर से उसका वीडियो जो है मेरे पास है, और मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा भी कि यहाँ पर आपको कौन सा न्यू फैट आएगा, लॉबी, मतलब हर चीज़ जितना भी आपको अपडेट्स में देखने के लिए मिलेगी वो आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, दिखाने की कोशिश करूंगा जहां तक हो सके। तो ज़्यादा बात करना मैंने करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए, आपको चैनल सब्सक्राइब करने लाइक लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्री फायर गेम से रिलेटेड जितना अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। और पर्सनली न्यू मेहमान से मेरा खास करके रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और साथ में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दिए, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक नहीं करते हैं तो मेरा वीडियो कोई भी नोटिफिकेशन आपको नहीं जाएगा, और आप मतलब कोई भी अपडेट से आप वहाँ पर से अनजान रह जाओगे। उससे पहले बता दें कि अगर आप फ्री में पेटीएम कैश अर्न करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा नोस्ट्रा प्रो का। आपने तो इससे पहले इसका नाम सुने होंगे, नोस्ट्रा प्रो, जिसमें आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया वर्सेस WIA फर्स्ट डे यहाँ पर चल रहा है, जो इसमें प्राइज रखा गया, इसमें 14,07,000 रखा गया है, यानी कि 14,07,000 को लोगों में डिवाइड किया जाएगा जो प्रेडिक्शन लगाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको प्रेडिक्शन लगाना है इस ऐप इस गेम में तो सिंपल आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के साथ साथ ये आपको जो कुछ आगे बीच में रिडायरेक्ट करेगा, जिसमें आपको लिखा हुआ रहेगा स्टार्ट मेकिंग पिक, सिंपल आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको आगे चलते जाना है तो यहाँ से आपको टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आपको सही से आंसर देना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कुछ आपको इस तरीके से ऐसे टिक करते जाना है, यानी कि आपको अंदाज़ा लगाना है कि कौन सा टीम जीतेगा कौन सा टीम नहीं जीतेगा। आपको तो इतना सा सिक्सेंस होगा ही होगा कि नोस्ट्रा में हम लोग कितना सा पूछा जाता है कि कौन सा टीम जो जीतेगा कौन सा टीम नहीं जीतेगा, कि किसने कितना रन बनाएगा। तो यहाँ से टोटल आपको 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आपको सही आंसर देना होगा। अगर आप सही हुए होते हैं, अगर आप विनर होते हैं, तो यहाँ से आप बहुत सारा पेटीएम का अर्न करना चाहते हैं। और इसके लिए अगर आप बोले हो कि मुझे पर्सनली पैसे लगाना पड़ेगा तो इसकी ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको एक रेफर करना होगा। इंस्टॉलेशन के साथ साथ आपको 100 रुपये का बोनस तो मिल ही जाएगा, बट अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पैसा खत्म हो गया किसी कारणवश, अगर आप जीत नहीं पाए तो आपको मतलब पैसे चाहिए इसको आगे प्रोसेस करने के लिए, तो सिंपली आपको करना क्या होगा, एक फ्रेंड को रेफर करना होगा, आपको वहाँ से 25 रुपये मिल जाएंगे, और साथ साथ आपको एक कॉन्टेस्ट फ्री मिलेगा, यानी कि आपको कॉन्टेस्ट लगाने के लिए एक मौका मिलेगा जिसमें आप बिल्कुल फ्री में कॉन्टेस्ट लगा सकते हैं, साथ साथ आपको 25 रुपये भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से आप अंदाज़ा लगा के यहाँ से मतलब चूज कर सकते हैं कि कौन सा टीम जीतेगा, कौन सा किसने कितना रन बनाएगा, इसके हिसाब से यहाँ पर सब प्रेडिक्शन लगा के यहाँ पर बहुत सारा पेटीएम का अर्न कर सकते हैं। उसके बाद आप इस पैसे को टोटल को पेटीएम में आप ले सकते हैं। तो जिन लोगों के पास मतलब ज़्यादा नॉलेज है गेम से रिलेटेड, किसी भी स्पोर्ट गेम से रिलेटेड, से क्रिकेट हुआ या फिर कबड्डी हुआ, बहुत सारे टाइप का गेम मिल जाए यहाँ पर, आप देख पा रहे टोटल आपको मिल जाती है। तो जिसको यहाँ पर इस चीज़ में इंटरेस्ट है वो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इंस्टॉल करें और फ्री में बहुत सारा पेटीएम कैश जीते। और एक चीज़ का और आप लोगों से मतलब बात करनी थी कि यहाँ पर से मैं 5 गिवे में रखता हूँ, जिसमें आपको 100 डायमंड का मैं गिव अवे, यानी कि 80 रुपये का जो टॉप अप होता है वो मैं दूंगा। तो जिन लोगों को यहाँ से पार्टिसिपेट करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है, कमेंट करने के साथ साथ मैं वहाँ से पिक करूँगा। तो आप लोगों में से सिंपल इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना होगा, इंस्टॉल करने के बाद आपको फ़ोन में रखना होगा, और जिसको गेम पर इसमें प्रेडिक्शन लगाना है वो लगा सकते हैं। उसको मैं टोटल 5 विनर यहाँ से चूज करूँगा और 5 विनर को मैं यहाँ से 100 डायमंड का गिव अवे गिफ्ट दूंगा। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लें यहाँ से हम लोगों की लॉबी की, तो आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों का लॉबी जो बिल्कुल ही पूरी तरीके से चेंज हो गया, और यहाँ से हम लोगों को जो साउंड भी चेंज कर दिया गया साथ साथ, तो ये साउंड मुझे बिल्कुल मस्त लगा। आपको पता है कि जब गेम हम लोग को गरेना की स्टार्टिंग में जो एक साउंड मिलता था, मतलब बिल्कुल धीमा सा साउंड, बिल्कुल सुनने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो मुझे जो साउंड था वो फर्स्ट में जो दिया था, मतलब जब मैं स्टार्टिंग में गेम प्ले कर रहा था आज से 4 महीने 5 महीने पहले, तो वो जो साउंड था ना,
वो साउंड मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके पास बीच में साउंड को चेंज कर दिया इधर उधर, ऐसी की तैसी बैंड बजा कर छोड़ दिया साउंड का, फालतू का मतलब डेंजर वाला साउंड दे दिया ये वो, तो मतलब बिल्कुल बोरिंग से लग रहा था। बट साउंड फाइनली गरीना ने ओल्ड वाला साउंड दे दिया है, और यहाँ से आपको साउंड जो मिलती है बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार साउंड सुनने के लिए मिलेगी। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि लॉबी में आपको कुछ स्टेप्स देखने के लिए मिल जाती है, तो उसके बाद दोनों साइड में आपको बलून देखने के लिए मिल जाती है जो लॉबी को कुछ अलग सा ही लुक देता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ अजीब डस्ट, मतलब देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, 3D टाइप का लगता है यहाँ पर। ऐसे आपको बैकग्राउंड जो लॉबी का है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। बात करें ऐसे नेक्स्ट चीज़ की, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि पैड, न्यू पैड जो हम लोग को देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर से थोड़ा सा देखने में मतलब इसका जो डिज़ाइन मॉडलिंग किया गया थोड़ा सा किटी के जैसे किया गया, बट इसमें किटी में सिर्फ पंख नहीं था, बट इसमें दो पंख लगाया गया, और ये थोड़ा सा हाइट तक फ्लाई कर सकता है, ऐसा नहीं कि उड़ सकता है ज़्यादा देर, थोड़ा सा ऊंचाई तक ये फ्लाई कर सकता है, और फ्लाई करते हुए मतलब बिल्कुल ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सबको दो स्क्रीन मिल जाती है, साथ में इसका जो इमोट से दो तीन इसमें इमोट मिल जाती है। इसकी खास स्किल की बात कर ले कि इसकी एबिलिटी जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो इसका जो एबिलिटी दिया गया है तो ये जो है मतलब हम लोगों का जो मशरूम होता है गेम के अंदर मैप के अंदर कोई भी जो मशरूम होता है वो इस मशरूम को हाईलाइट करेगा। यानी कि आपके पास अगर ये वाला पेट रहेगा तो मशरूम जहाँ पर भी रहेगा तो वो आपको हाईलाइट करेगा, और आप उस मशरूम तक मतलब बहुत ही आसानी से पहुँच जाओगे। उसके बाद इसका स्किल मतलब ये फाइट सीन के लिए या फिर मतलब बैकपैक के लिए कुछ खास के लिए नहीं दिया गया, सिंपल यह है कि आपको जो मशरूम होता है वो मशरूम को हाईलाइटेड करेगा। तो ये मतलब थोड़ा सा सही वाली बात है और कुछ खास वाली बात नहीं है, क्योंकि ये कोई मतलब ये इसका कोई स्किल नहीं हुआ भाई, इससे हम लोग को कुछ खास बेनिफिट नहीं है। वैसे भी हम लोग मशरूम और कहीं मिलेगा तो ऑलरेडी हम लोग उसे खा बैठते हैं अगर हम लोग खाली रहता है। तो बात करें ऐसे नेक्स्ट अपडेट की, तो यहाँ देख पाने स्क्रीन पे कि ये वाला जो आपको आइलैंड बोलता है भाई इसको ना, हाँ आइलैंड, तो यहाँ पर आइलैंड आपको बिल्कुल अलग टाइप से देखने के लिए मिलता है, और बिल्कुल 3D टाइप से, बिल्कुल स्टेज टाइप से देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग जो आइलैंड है बिल्कुल चेंज कर दिया गया, और यहाँ पर सेकंड एनिवर्सरी की वजह से यहाँ पर इसे बिल्कुल डेकोरेट कर दिया गया है, और बिल्कुल इसे स्टेज की तरह से सजाया गया है। क्योंकि यहाँ पर से फ्री फायर का जो सेकंड एनिवर्सरी है, तो यहाँ पर सेकंड एनिवर्सरी फाइनली यहाँ पर से हम लोग आने वाला है गेम के अंदर, तो इसलिए गरेना ने इस बार जो इसका जो मॉडलिंग किया है यानी कि मतलब इसका डेकोरेट किया है, तो बिल्कुल इसका सेकंड एनिवर्सरी के जो स्टेज है स्टेज परफॉर्म कैसे के जैसा यहाँ पर से बिल्कुल डेकोरेट किया गया। तो यहाँ पर से चारों बंदे को यहाँ पर से डीजे के लिए बैठा दिया है, यानी कि पार्टी में भाई होता ही है ना भाई, एक डीजे वाला बंदा जो डीजे बजाता है। तो यहाँ से आपको चार बंदे मिल जाएंगे, जो एक चार कॉर्नर पे आपको चार बंदे देखने मिल जाएंगे जो डीजे के साथ आपका स्वागत करेगा। और साथ ही साथ जो हम लोग के जंपिंग के लिए हम लोग जो बलून मिलता था जो डक वाला यानी बत्तख के जैसा जो देखने मिलता है, उन सबको चीज़ को हटा दिया गया है, और उसके जगह पर आपको इस टाइप का यहाँ पर जंपिंग जो चीज़ है वहाँ से लगा दिया गया है। तो यहाँ पर आपको जंप करने के लिए कुछ इस टाइप से देखने के लिए मिल जाएगी। तो मतलब लॉबी को यहाँ से सॉरी आइलैंड को यहाँ से इन लोगों ने बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है, और पर्सनली ये मतलब अप्लाई कर दिया अपना जो सेकंड एनिवर्सरी का जो जगह है इसको ये यहाँ से अप्लाई कर दिया है। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर से वो कुछ भी अप्लाई करे उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरे को तो गेम का जो लॉबी है आइलैंड है वो थोड़ा सा परफेक्ट दिखना चाहिए और अच्छा दिखना चाहिए। तो यहाँ से आपको बात होगी, यहाँ से बात करें से नेक्स्ट अपडेट की ग्लाइंडर्स की। तो ग्लाइंडर्स होता है हम लोग को, मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी वीडियो में आज से 5 दिन पहले बता दिया था कि यहाँ पर हम लोग को गेम के अंदर एक न्यू आइटम्स देखने के लिए मिलेंगे जिसका नाम होगा ग्लाइंडर, और इसका यूज जो आपको होगा जिप लाइन की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने में। तो यहाँ से फाइनली आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जहाँ पर आपका जो मतलब किसी पहले से अगर ज़्यादा हाइट है और आपको नीचे डाउन पे जाना है तो यहाँ पर सबको ऑटोमेटिकली एक मतलब जो ग्लाइंडर का जो लोगो है सिंबल राइट साइड पे आप देख पा रहे हैं, जहाँ से हम लोग जंप करते हैं या फिर रन करते हैं इस टाइप से आपको यहाँ पर से ग्लाइंडर का जो है वो लोगो देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपली जहाँ पर आपको अप और डाउन होगा, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ से अप और डाउन है, तो यहाँ से डाउन की तरफ आपको जाना है, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर जैसे ही आप झुकाव करते हैं तो यहाँ से आपको ये चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाए। सिंपल आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के साथ से आपको ऊपर में एक ग्लाइंडर आ जाएगा, और उसके बाद जिस पैलेस में आप उतरना लैंडिंग करना चाहते हैं वहाँ से आप इसे आसानी से जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ से जो इसके आने के बाद जिप लाइन को शायद हटा देगा, या फिर जिप लाइन को यहाँ से आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, फाइनली जिप लाइन को यहाँ से हटा देगा, क्योंकि जिप लाइन का काम जो ये करेगा। बट मेरे ख्याल से जिप लाइन रहना चाहिए क्योंकि हर जगह पर ग्लाइंडर नहीं जाएगा, क्योंकि ग्लाइंडर डाउन जगह पर ही वर्क करेगा। बात कर लें यहाँ से हम लोग इस चीज़ की कॉपी की, तो ये कॉपी किया गया है साइबर हंटर से। अब पता नहीं गरीना ने अपने माइंड से किया है या फिर किसी से किया है पता नहीं, बट साइबर हंटर में सेम टू सेम आपको इस टाइप का एक मतलब मैग्नेटिक मतलब गैजेट मिल जाती है, जिसके मदद से आप किसी भी डाउन जगह पर अगर आप जाते हैं तो ऊपर में आपको गोल टाइप का आ जाता है, उसके बाद आप वहाँ से फ्लाई करके आसानी से जा सकते हैं। मैं इसलिए बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं साइबर हंटर गेम को प्ले कर चुका हूँ और मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस खुद मतलब पर्सनली है कि इस तरीके से वर्क करता है, और साइबर हंटर में वो जो
गैजेट था वो किस तरीके से वर्क करता। फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग गेम के अंदर आया, घरेने वाले कॉपी करके लाए फिर चुरा के लाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग यहाँ से यूज से मतलब है, आम खाने से मतलब है, गुठलियाँ गुनने की ज़रूरत नहीं है और ये देखना नहीं है कि आम हम लोग कहाँ से आया है। तो फाइनली ये चीज़ हम लोगों को मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। बात करें ऐसे नेक्स्ट अपडेट की, तो आपको गन की स्किन देखने को मिल जाएगी जिसे आपको बताया गया था। तो यहाँ पर सबको गन की जो स्किन देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर ये दूसरे मॉडिफाई आएगा, तो कुछ अजीब अजीब तरह से गन की होगी आप जिस स्क्रीन पर देख पाने को। उसके बाद यहाँ पर हम लोग गन की इसकी बात कर ले या इसकी एमओ की, तो हम लोग की एमओ यहाँ पर से माइनस प्लस होती है, तो यहाँ से दिखाया जाता है कि यहाँ पर से आपका एमओ खत्म हो रहा है, बट यहाँ पर से आपको परसेंटेज दिखा जाएगा कि यहाँ से आपको परसेंटेज कितना यहाँ से लो हो रहा है। बात कर लें नेक्स्ट अपडेट की, तो यहाँ पर हम लोग को 4 लेवल की जो हेलमेट है वो देखने के लिए मिल जाएगी। तो फाइनली आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर से एक 4 लेवल की जो हेलमेट है यहाँ पर पड़ी हुई है। तो यहाँ पर से कुछ हम लोग का जो एनिहिलेटर बंडल है जो उसका जो आपको हेलमेट देखे होंगे, कुछ इस टाइप से यहाँ पर 4 लेवल की जो हेलमेट है यहाँ पर से आपको देखने के लिए मिल रही है। बात कर लें यहाँ से नेक्स्ट अपडेट की, तो यहाँ से जो हम लोग के डेली लॉगिन रिवार्ड है एडवांस सर्वर के जो दिया गया पेज पे, तो यहाँ सब देख पा रहे हैं कि यहाँ पर से 500 डायमंड, उसके बाद गन की स्किन वगैरह वगैरह, मतलब इन सब चीज़ को यहाँ से दिया गया है। बट मेरे ख्याल से यहाँ पर से डायमंड की बात करती है तो फालतू है, उसके बाद यहाँ पर से गन की स्किन की बात करती है यहाँ से फालतू है। गोल्ड दे सकता है और सब चीज़ दे सकता है डेली लॉगिन रिवार्ड पे, बट यहाँ पर से दिखाया गया है कि यहाँ पर से आपको इतना सारा चीज़ आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कितने ऐसे लोग हैं जो आपको ये वाला अपडेट देखने में अच्छा लगा रहा है, एडवांस सर्वर का ये इतना सारा काम जो है आपको अच्छा लगा रहा है। हालांकि रियल सर्वर पर आपको मिलने वाला है, रियल में जो हम लोग की गेम है गरीना वाला, तो यहाँ से हम लोग को देखने के लिए मिलेगा टोटल चीज़। इतना सारा चीज़ आपको मैंने यहाँ पर से दिखाया, टोटल चीज़ आपको अपना गेम के अंदर आने वाला है। तो कितने ऐसे लोग हैं जो मतलब बिल्कुल एक्साइटेड है इस अपडेट्स को लेकर, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और लाइक नहीं किए तो अभी तक लाइक कर दीजिए चैनल को, और अच्छा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे भाई, लाइक तो बनता है यार, इतना सारा मेहनत फालतू पानी में नहीं जाना चाहिए भाई, लाइक तो बनता ही बनता है। तो आज के वीडियो में इतना से ही, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।